हेलो फ्रेंड्स, दे शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन्ते कब हो न टरो न टरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। थोनू सारिया नू साडे वलों ते साडे परिवार वलों इस गुरपुरब के पावन दिहाड़े की लख लख बधाइया। हैप्पी गुरपुरब डे। हैप्पी गुरपुरब टू ऑल। यहाँ पर गुरुपुरब मनाया जाता है। आज कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे विनिपेग में तो यहीं पे था। दिस टाइम आई हैव ओके ड्यू टू कोरोना नहीं है। ओके ये विंडो देख रहे हो, सॉरी फ्रंट शील्ड देख रहे हो, ये आइस है ये सारी शील्ड पे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइम हुआ है अभी 11:30। मैंने व्लॉग अभी से शुरू किया है। एक्चुअली सुबह आज मैं लेट उठी थी 8 बजे, और फिर उसके बाद बस घर के काम शुरू कर दिए। और हाँ, आज दिन है संडे। संडे को सब काम देर से ही होते हैं, छुट्टी होती है ना, इस वजह से। तो फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट हमारा डन है, और आरव का उसने अभी अभी डन किया है, वो भी एक शर्त पे कि बोल रहा था मम्मा मुझे कार्टून्स देखने हैं। कार्टून्स तो नहीं, वो भी गेम्स देखता है। तो फिर मैंने कहा पहले तुम्हें खाना खाना पड़ेगा फिर। तो ऐसे उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। तो चलो किसी बहाने खाए खाए तो सही। एंड फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे करनी है किचन क्लीन। सिंक मेरा भरा पड़ा है बर्तनों से, मुझे सिंक क्लीन करना है अभी। बर्तन सब क्लीन करने हैं, आज मैं डिश वॉशर नहीं लगाऊंगी। एंड तो चलते हैं मेरे साथ, चलिए बातें भी करते रहेंगे और क्लीनिंग भी करते रहेंगे। देखिए सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से। और मैंने ना अभी अपना डिटर्जेंट डिश डिटर्जेंट चेंज किया है। अब मैंने ये वाला शुरू किया है। पहले मैं विम वाला करती थी, विम नहीं सॉरी सनलाइट था वो भी, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला ये भी अच्छा था, बट मैंने सोचा समथिंग डिफरेंट, तो डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। ये वाला भी अच्छा है, एक बूंद से ही इतनी झाग बन जाती है, मतलब डिशेस क्लीन करके मज़ा आ जाता है। पहले मैं डिशेस क्लीन कर लेती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? जल्दी से डिशेस क्लीन कर लेते हैं। थैंक्स आरव, वेलकम। यू नो मेरी वीडियो कौन बना रहा है? आरव। यस मी। अभी बड़ा हो गया, ये मम्मा के हर काम में हेल्प करता है ना आरव? या। ओके, और तुम क्या कर रहे थे? वाचिंग कार्टून्स। दैट इज एक्चुअली कार्टून्स और गेम। कार्टून। Oh, this time we are watching cartoons? Yeah, instead of a game. Oh, okay. But we're going to Costco right now or Walmart, I don't know. Dishes ho gayi hai hamari done. To abhi main ja rahi hu basement mein because maine kapde dhone dale hue the, to wo ab ho gaye honge and hame un kapdon ko dryer mein dalna hai. To chaliye chalte hain बेसमेंट में। यस, अभी कपड़े स्विच करने हैं मुझे। ओपन द डोर। या लॉन्ड्री इज डन, ड्रायर में डाल दिए हैं। तो अब इसको टाइम सेट करते हैं, पावर ऑन। 40 मिनट्स में ये हो जाएंगे। ओके, सो
मशीन तो हमारी चल पड़ी है और लाइक ड्रायर एंड कल शर्मा जी ग्रॉसरी करके लाए थे बिकॉज यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, रेड जोन चल रहा है विनीपेग में, तो हम बाहर नहीं जाते हैं। फैमिली में से सिर्फ एक मेंबर ही अलाउड है और वो भी नेसेसिटी वाली चीज़ों के लिए, इसेंशियल थिंग्स। एंड तो मैंने इनको बोला कि आप जैसे फ्रोज़न मटर होगी, जो चीज़ें हम फ्रीज करके रख सकते हैं वो आप थोड़ा ज़्यादा ले आइएगा, तो ये ले आए हैं। तो हमारे पास फ्रीज़र है, फ्रिज में तो होता ही है और एक एक्स्ट्रा बेसमेंट में भी रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने वो फ्रोज़न मटर और फ्रोज़न मिक्स वेज इसमें फ्रीज करके रख दिए हैं, तो फिर टेंशन नहीं है कि अगर कोई सब्ज़ी ना हो, समझ ना आए क्या बनाऊँ, तो क्विकली ये चीज़ें उठाती हूँ और बना देती हूँ सब्ज़ी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, फ्रीज़र ये देखिए, दो पैकेट्स लाए थे मिक्स वेज के और ये बड़े पीस के मटर सॉरी और ये पीस के पैकेट, तीन पैकेट हैं। अभी इसमें बहुत स्पेस है, पहले हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे बट कहते हैं ना पता ही नहीं चलता कि इस चीज़ का कब नंबर आ जाए, अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, अब हम इसमें चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी मैं काम ख़त्म करके बैठी हूँ, वैसे तो घर के काम कभी ख़त्म होते नहीं हैं, खुद से ही टाइम निकालना पड़ता है, ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है कि अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो 5-10 मिनट बैठूँगी फिर कुछ ना कुछ काम शुरू कर दूँगी, बिकॉज़ अभी 12 बज गए हैं, लंच की प्रेपरेशन भी शुरू करनी है। और हाँ, मैं लिविंग रूम में बैठी हूँ, बाहर देख रही हूँ और आज हल्की हल्की स्नो पड़ रही है, वैसे तो विनीपेग सारा वाइट हो गया है और स्नो आज हल्की हल्की पड़ रही है, मैं आपको बाहर का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट का रेस्ट है तो कर ही लेती हूँ अच्छे से। कुछ दिखाती हूँ, मुझे आपको कुछ दिखाना था, ये आप रेड गमला देख रहे हो, इसमें हमने मनी प्लांट लगाया है, अब देखते हैं ये कैसे ग्रो करेगा, अच्छे से करेगा कैसे, है ना, अच्छे से ग्रो कर रहा है वैसे ये। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने हल्दी लगाई है, हल्दी हल्दी है ना ये, या ये हल्दी, ये भी अच्छे से ग्रो कर रही है, इसको हमने रूम में रखा है बिकॉज़ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ में तो ये प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे। लॉन्ड्री अभी हो गई है, वो शर्मा जी बैठे हैं गेम खेल रहे हैं, तो अभी मुझे कपड़े ड्राई भी हो गए होंगे, मुझे लेके आने पड़ेंगे, यू नो मशीनें कर देती हैं, धुल भी देती हैं, सुखा भी देती हैं, बट फोल्ड करने का काम फिर भी पेंडिंग रह जाता है, वो तो मुझे खुद से ही करना पड़ता है। हालांकि वो मशीन्स होती हैं बट हमारे पास वो नहीं है और इतना भी अपने आप को नाजुक नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो चलिए फिर मैं अब चलती हूँ लॉन्ड्री लेके आने के लिए, और यू नो एक के बाद एक काम, बस काम ख़त्म ही नहीं होते, आपको पता ही है, बिज़ी 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 सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो चलिए फिर अब लॉन्ड्री ले आते हैं, तो लॉन्ड्री भी डन है, अब मैं कपड़े फोल्ड करने जा रही हूँ, तो चलिए मिलकर करते हैं। हो गया है टाइम 2:22, लंच का टाइम है, हमने सोचा है लाइक शर्मा जी ने सोचा है कि मैगी बनाते हैं सब्ज़ियाँ डाल कर, तो उन्होंने सारी प्रेपरेशन कर ली है ये देखिए, पीस डालेंगे इसमें, अनियन, टमेटो, पोटैटो, कैरेट, मैगी निकाली है और ये है शर्मा जी मैगी हो गई हमारी रेडी, देखते हैं खाकर कैसी बनी है। बैकयार्ड से व्यू, हल्की हल्की स्नो देखी पड़ भी रही है, दिख रही होगी आपको, मैंने अभी डोर ओपन किया तो मुझे बहुत ठंडी लग रही है, ब्लर सा क्यों हो रहा है, उसमें तेज पड़नी शुरू हुई। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, सब जगह वाइट हो गया है, अच्छा नहीं लगता, स्नो सब जगह हो जाती है और ट्रीज सारे ड्राई से हो जाते हैं और इस स्नो में चलना तो बहुत मुश्किल काम है। यम्मी, लाइक बहुत टेस्टी बनी है, परफेक्ट है सारा कुछ,
शर्मा जी आप पास हो गए हो। अब हर संडे आपको मुझे बना के खिलानी पड़ेगी। तो अभी हो गई है रात और टाइम हुए हैं 12:15, मतलब मॉर्निंग भी होने वाली है। आप सोचोगे नहीं अभी तक सोई नहीं, बिकॉज मैं दिन में सो गई थी तो मुझे अभी नींद नहीं आ रही, बट हाँ अभी मैं सोने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू थोड़ा सा। लाइक क्रिसमस आने वाला है तो सब जगह पे सब ने अपने घर बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं। मैं बाहर तो नहीं जाऊँगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे बीमार नहीं होना, बट मैं आपको अंदर से ही दिखा देती हूँ। जिस जिस घर की मुझे लाइट्स दिख रही हैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो हमारे घर की लाइट्स हैं, हमने अपने घर की एंट्रेंस पर लगाई हैं। हमारे नेबर्स, ये भी हमारे नेबर्स हैं। घर तो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजाए हैं, पर ठंड की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती। मुझे डर लगता है कि बीमार ना पड़ जाऊं। और डेकोरेशन तो एक से एक, आप मानोगे नहीं कि हम सोच भी नहीं सकते, इतने अच्छे से सजाए हुए हैं। हाँ, अगर मेरे हस्बैंड गए रात को तो मैं उनको बोलूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ी सी डेकोरेशन की, वो लाइटनिंग की पिक्चर्स लेके आइए, मीन्स वीडियो बनाकर लेके आइए, ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी आपके साथ शेयर। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं ना, तो इनका मेन त्यौहार क्रिसमस होता है। बहुत अच्छे से मनाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, तो बड़े मन से मनाते हैं। अब हम यहाँ पर हैं तो हम भी सभी त्यौहार बहुत प्यार से खुशी से मनाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो वैसे ही रहना चाहिए, उनके त्यौहारों को अपना मनाना चाहिए, है ना। तो अभी ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है मुझे लगता है, और मुझे इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। अब यही ख़त्म करूँगी तो नया शुरू कर पाऊँगी ना। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय।